नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो फार्म पर हम लोग भैंसे लेकर आए हैं, तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि आप भैंसों की डाइट के बारे में जरूर से बताना। तो जैसा कि अभी नई आई हुई है भैंसे, तो जैसे वहाँ का खान पान अलग होता है, यहाँ का खान पान अलग होता है, तो थोड़ा सा सेट होने में समय लगेगा। अभी इन्हें आए हुए 4 से 5 दिन ही हुए हैं, मतलब 4 से 5 दिन होने वाले हैं, पूरे हुए भी नहीं है। और अभी खाने में इन्हें जो हम यहाँ हमारे यहाँ हम चने का जो खारिया यूज करते हैं, ये वहाँ पर जो है गेहूं का सुखला खाती थी। तो 1 से 2 दिन थोड़ा सा परेशान किया, पर फिर जब चने का इनको खारिया जो टेस्ट लगा तो खाने लग गई। और साथ में अभी इन्हें हम चारा खिला रहे हैं। हमारे पास अभी मक्का भी अवेलेबल है और जो जो होती है वो भी अवेलेबल है, पर अभी फिलहाल में हम इन्हें चारा खिला रहे हैं क्योंकि वहां पर ये जो है चारा ही खाती थी। तो धीरे से हम जो है इनको हमारे यहाँ की चारे पर डालेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो अभी हम आप देख लीजिए कि भैंसे जो है खा रही है चारा वगैरह सब, और अब हम जो इनको फीड में दे रहे हैं अब हम आगे आपको वही बताते हैं। तो जैसा कि अपन जो अपने फार्म पर तो टिवाना फीड यूज करते हैं, तो एकदम से अभी हम इन्हें टिवाना नहीं खिला सकते क्योंकि इन्होंने पहले कभी खाया नहीं है। जैसा कि अक्सर किसान भाई ऐसा करते हैं कि पशु बाहर से खरीद कर लाते हैं और फिर सीधे पशु को जो है अपना फीड, जो अपने यहाँ का जो लोकल फीड होता है वो खिलाने लग जाते हैं और पशु खाने में परेशान करता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पशु को खाने से कैसे लगाना है धीरे धीरे। जैसा कि वहां पर पहले आप पता कर लीजिए कि आपका पशु आपने जो खरीदा है वहां पर वो क्या खाता था, तो वो पहले से आप लाकर रख लीजिए और आप पहले उसे वो खिलाइए जो वो वहां पर खाता था। उसके बाद धीरे धीरे आप उसका जो फीड है कम करते जाइए और अपना जो फीड है उसमें ऐड करते जाइए, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका फीड कम करते करते आपको बिल्कुल अपने यहाँ का फीड धीरे 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 बढ़ाते हुए अपने यहाँ का फीड उसे ज्यादा करना है और उसका बिल्कुल खत्म कर देना है। इस प्रकार से वो जो है फीड पर लग जाएगा। तो अभी हम भी यही कर रहे हैं। ये वहां पर खाती थी गेहूं की दलिया पकाकर, तो अपन अभी इसको गेहूं की दलिया नहीं खिला रहे हैं, उसके बदले बाकी खली वगैरह जो कपास की, ये भी राजस्थान में चलती है, तो कपास की खली आप देखिए कि कपास की खली लेकर आए हैं हम। थोड़ा सा पास, ये कपास की खली है, इस खली को भिगो कर खिला रहे हैं। जैसे शाम को खिलाना है तो अभी हम भिगो देंगे, और साथ में है गेहूं का चोकर। ये दोनों चीज को मिक्स करके अभी भैंसों को दी जा रही है, और साथ में जो है मूंगफली की खली, ये है मूंगफली की खली जिसको गला दिया गया है, अभी ये शाम तक अच्छी गल जाएगी, तो ये मूंगफली की खली भी उसमें ऐड की जाएगी। ये तीनों चीज अभी हम भैंसों को खिला रहे हैं, और जो एक भैंस है वो सूखा खाती है, मतलब इनको सूखा खाती है, और एक को जो है गलाकर खिलाना पड़ता है। तो अभी इस प्रकार से इनकी डाइट चल रही है, और साथ में जो है हम अभी इनके लिए टिवाना 10,000 हमने मंगवाई है, ऑर्डर किया है, तो धीरे धीरे जो है इनको हम टिवाना 10,000 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भैंसों के लिए काफी फायदेमंद है। भैंसों के लिए क्या, जो गाय है हमारी हाई मिल्किंग काओ, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो अब की बार जो है हमने टिवाना 10,000 मंगवाई है, तो उसका भी जल्दी रिजल्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा। बाकी अभी जो आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का जो चोकर आता है वो खिला रहे हैं, क्योंकि ये वहां पर चोकर खाती थी, तो चोकर लाया गया है और साथ में कपास की खली लाई गई है इस प्रकार से। तो ये अभी फीड में चल रहा है इनके, और बाकी हरा चारा और सूखा चारा आपने देखा ही होगा कि हरे और सूखे में हम क्या खिला रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप जो भैंसों के लिए होगी वो होगी सबसे पहले इनकी डीवार्मिंग। डीवार्मिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में अभी भी जो है नीम की पत्ती से इनकी डीवार्मिंग की जाती है। बहुत सारे किसान अभी भी हैं जो पिछड़े जमाने में जी रहे हैं, जैसे कि आज के समय में हम सारी चीजें मेडिसिन से करते हैं, पर वहां पर अभी भी जो है तेल वगैरह और जो नीम की पत्ती वगैरह इनसे इनकी डीवार्मिंग होती है, तो उससे प्रॉपर डीवार्मिंग नहीं हो पाती है। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कदम होगा वो होगा डीवार्मिंग का। तो डीवार्मिंग के लिए एक अच्छी गोली मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भैंसों के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी जो वजनदार गाय है, जो वजनदार पशु है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये है फॉक्सली, आप देख सकते हैं करीब से,
ये गोली जो है बहुत अच्छी गोली है। अगर आपने साल में एक बार क्या, साल में 2 बार अपने पशु की डिवॉर्मिंग इस गोली से कर दी, तो आपके पशु के जो पेट के, आंत के, आंख के, जितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं सारे मर जाएंगे। और पशु जो कम खाता होगा, जिसकी भूख कम होगी, जो पशु दूध कम देता होगा, जिसका गोबर अच्छा नहीं है, मतलब कभी दस्त लग जाते हैं, कभी गोबर बिल्कुल निकलता नहीं है, इस प्रकार से यदि दिक्कत आती है, तो एक बार आप इस गोली से डिवॉर्मिंग करके देखिए। अगर आपके एरिया में ये गोली डिवॉर्मिंग के लिए नहीं मिलती है, तो आप जो है 6 ग्राम की गोली लीजिए। कोई सी भी गोली यदि आप खरीदते हैं पशु के लिए, तो आपको 6 ग्राम की गोली लेना ही चाहिए। 6 ग्राम की गोली जो होती है वो पशु की डिवॉर्मिंग के लिए बेस्ट होती है। तो भैंसों को ये दी जाएगी, एक गोली एक बार में देनी है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के बाद ही आपको डिवॉर्मिंग करनी है, बीच में डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। ये गोली जो है अभी हम भैंस को खिलाएंगे, तो इसका जो खिलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, सबसे पहला तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके पशु का दूध कम हो जाएगा। दूध इसलिए कम होता है क्योंकि हाई पावर गोली होती है। इसके बाद नेक्स्ट, आप जो आपका प्रेग्नेंट पशु है उसे ये गोली नहीं देनी है। प्रेग्नेंट पशु के लिए यह फायदेमंद नहीं है, इसलिए कभी भी प्रेग्नेंट पशु को आप ये गोली ना दें। प्रेग्नेंट पशु के लिए जो अलग गोली आती है आप वो लाइए, और केवल 2 से 3 दिन दूध कम होगा, पर जब उसके बाद जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका पशु बहुत अच्छे से खाने लग जाएगा, दूध पर आने लग जाएगा, उसके बाद पशु का गोबर वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। तो आपको भैंसों के लिए और वजनदार गायों के लिए यही गोली का ट्राई करना है। तो हमारी भैंसों के लिए हमने ये लाकर रख ली है। अब हम ये हमारी भैंसों को गुड़ में कर कर खिला देंगे, गुड़ की गोली बनाकर, और उसके बाद जो है हमारी भैंस दूध पर चलेगी और लंबे समय तक दूध देगी। इसके साथ में हम जो भैंसों को चलाएंगे लिवर टॉनिक भी चलाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जो है लिवर टॉनिक वगैरह हमारे फार्म पर रखते हैं, तो भैंसों को लीवर टॉनिक हम चलाएंगे उनकी फीड में डालकर। पर डे का 100 ml हम देंगे, क्योंकि अभी हम डिवॉर्मिंग करने वाले हैं, तो डिवॉर्मिंग से जो लीवर सुस्त हो जाएगा, तो उसे एक्टिवेट रखने के लिए हमें लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। आप डिवॉर्मिंग से पहले स्टार्ट कर दीजिए, और डिवॉर्मिंग होने के 4 से 5 दिन तक भी आपको ये जो है लीवर टॉनिक खिलाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके पशु का लीवर एक्टिवेट रहे। तो ये चीजें अब हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं हमारी भैंसों के साथ। जैसा कि किसान भाइयों ने पूछा था कि आप जो भैंसों की डाइट जरूर से बताना, तो ये भैंसों की डाइट चल रही है, और साथ में गुड़ और सरसों का तेल। गुड़ तो हमने खिला दिया है, अभी सरसों का तेल नहीं दिया है, क्योंकि ये वहां पर सरसों का तेल नहीं खाती थी। तो सरसों का तेल जो है हम इन्हें थोड़े दिन बाद स्टार्ट करेंगे, जब ये अच्छे से फीड वगैरह खाने लग जाएंगी तब। तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट किया कि आपको मुर्रा भैंस लेनी थी। तो किसान भाइयों, आपने वीडियो में देखा ही होगा, यदि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने कहा था कि बड़ा करने के लिए छोटी स्टेप से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जो है एक छोटी शुरुआत है। फार्म तो हमारा चल ही रहा है, पर हम जो भैंसों में जा रहे हैं, तो पहले भी हमने भैंसों का फार्म किया है, पर हम ये जो है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए छोटी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। इस वजह से हमने अभी लोकल खरीदी है, मुर्रा भैंस हम लेंगे जरूर से। तो आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आप लोगों से जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।